एमपी के राजगढ़ में आजादी के बाद जिलों के परिसीमन में बदकिस्मती से काली सिंध नदी के दूसरे छोर पर बसे कुंडालिया, रामगढ़, बालागंज, माधोपुर, कोटरा गांव को राजगढ़ जिले जीरापुर तहसील में शामिल किया गया। इन गांव के बसे बाशिंदों को बरसात के दिनों में अपने निजी, सामाजिक और कार्यालयीन काम से जब जीरापुर माचलपुर आना होता है तो 70 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर आना पड़ता है, जिससे इन्हें आर्थिक बोझ के साथ समय भी ज्यादा बर्बाद करना पड़ता है। इन मुख्य समस्याओं के निदान के लिए निगम उज्जैन संभाग से यहाँ लिम्बोदा और कुंडालिया के बीच पुल स्वीकृत किया गया। ये लिम्बोदा गांव है और यहाँ पास ही एक पुल का निर्माण हो रहा है। लगभग 5 सालों से वो पुल अधूरा पड़ा हुआ है। लिम्बोदा गांव में आज हम आए हुए हैं और यहाँ के लोग बरसात के दिनों में किस तरह कुंडालिया जाने के लिए परेशान होते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कहाँ के रहने वाले हो? लिम्बोदा का। बरसात के दिनों में अगर आपको कुंडालिया जाना हो तो कैसे जाते हो? ये रोड पर होता फिर आना होना। ये पुल अभी तक कितने सालों से बन रहा है आपके यहाँ का? 5-6 साल हो गया। अभी तक पूरा नहीं हुआ। नाम है आपका भैया? मेरा नाम राम बाबू है सर। कौन से गांव के हो? ग्राम पंचायत लिम्बोदा से। ये जो पुल अधूरा पड़ा है ये कितने सालों से अधूरा पड़ा है? बहुत सालों से पड़ा साहब। बरसात के दिनों में कितनी दिक्कत आती है कुंडे ले जाने में लोगों? बहुत ज्यादा दिक्कत सर, बहुत। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।